यूपी के फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर गांव में बेटी की चरित्रहीनता से अजीज आकर गोली मारकर हत्या कर दी और लाइसेंसी असला लेकर खुद थाने से पहुंच गया, जिसे देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने असले के साथ आरोपी को अरेस्ट किया और घटनास्थल पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतका बेटी की चाल चलन को देखकर पिता ने बेटी की शादी एक वर्ष पूर्व कर दी थी। दो दिन पूर्व बेटी मायके आई थी और बेटी की हरकतों को देख आग बबूला हो गया और उसे अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। वहीं इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्यवाही में जुट गई है। वहीं एडिशनल एसपी ने बताया कि पिता ने अपनी बेटी को लाइसेंसी बंदूक से मारकर उसकी हत्या कर दी है, जिसे लाइसेंसी बंदूक के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्यवाही की जा रही है। थाना थरियाव जनपद फतेहपुर के जयसिंहपुर गांव में एक चंद्रमोहन यादव नाम के व्यक्ति ने अपने 22 वर्षीय पुत्री स्वाति देवी की अपनी दुलाली लाइसेंस से बंदूक से गोली मार करके हत्या कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को मैं बंदूक के गिरफ्तार कर लिया है। डेड बॉडी को मार्जरी के लिए पंचायत नामा भर के भिजवाया गया है। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है।